हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पी ब्लॉक का लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है फास्फोरस का कंपाउंड है फास्फी, इसके बारे में आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है, ये 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन के बारे में जैसा आपने पढ़ा होगा और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फास्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग का जो आज का टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस की हम लोग बात करते हैं। तो एलोट्रॉप्स का मतलब पहले क्या होता है, क्योंकि आप पढ़े तो हैं ही आप, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन करते हुए चलते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट ठीक, किसी भी एलिमेंट का जो है डिफरेंट फॉर्म हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप, इसी को आप एलोट्रॉप्स कहते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं फास्फोरस के कई एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, जो उनमें से जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उन्हीं के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक आप जानते हैं व्हाइट फास्फोरस, और एक आप सुने होंगे रेड फास्फोरस, और एक आप सुने होंगे ब्लैक फास्फोरस। इनके बारे में हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे, इनके बारे में स्टडी करके ये जानेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है ठीक है भाई। और ज्यादा आपके यहाँ जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी का है, व्हाइट फास्फोरस का ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और आप जानते हैं फास्फोरस का एप्लीकेशन भी, फास्फोरस हमारे सराउंडिंग भी पाया जाता है, और फास्फोरस जो है आप जानते हैं कि फास्फोरस जो हम लोग के बोन्स हैं वहां पर भी फास्फोरस की जो है परसेंटेज कुछ ना कुछ पाई जाती है। साथ ही साथ जो है मैच बॉक्स का आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर भी फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें। तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, व्हाइट फास्फोरस। और ये किसी भी कंपटीशन में भी व्हाइट फास्फोरस से जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा पुट ऑन किए जाते हैं ठीक है। और आइए अब एक एक करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं, देखते हैं व्हाइट फास्फोरस के बारे में, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ एक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ठीक। ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी शो करती है जिनको हम लोग एक करके ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो है व्हाइट फास्फोरस, हम लोग व्हाइट फास्फोरस के बारे में चल रहे हैं ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फास्फोरस को अगर आप समझ लेंगे तो उसकी सहायता से हम लोग और चीजों को समझना शुरू करेंगे फिर व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है और इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्मली किस फॉर्म में एडजस्ट करता है, ये एडजस्ट करता है P4, इस फॉर्म में ये एडजस्ट करता है ठीक। और इसकी एक खासियत होती है ये बहुत सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है, ये सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है।
और इसकी जो अडर होती है गार्लिक अडर होती है, गार्लिक अडर, ठीक, गार्लिक अडर होती है। और इसे आप, जिसे गार्लिक को आप कट कर सकते हैं नाइफ के द्वारा ना, इसको भी कैन बी कट थ्रू नाइफ, कैन बी कट थ्रू, चूंकि सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट होने की वजह से कट थ्रू नाइफ, नाइफ के जरिए यानी आप इसको कट कर सकते हैं, ये चीज है भाई, ठीक। और आप जानते हैं चूंकि नॉन पोलर कप भाई फास्फोरस है, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा, नॉन पोलर होगा, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाटर में तो सिर्फ सॉल्युबल होते कौन से, आयनिक कंपाउंड, या जिनके अंदर कुछ ना कुछ पोलैरिटी के कैरेक्टर होते हैं वही वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ये इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से इनसॉल्युबल। लेकिन ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन CH2, सॉल्युबल इन CH2, ये जो है ये सॉल्युबल होंगे इस किसमें, CH2, बट सॉल्युबल इन CH2, ठीक है भाई। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, 317 कैलोरी, आप समझ सकते हैं 317 का मतलब हो गया लगभग लगभग, अगर आप देखिए 27 और 17 44, यानी 44 या 45 डिग्री सेल्सियस के लगभग इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो गर्मियों में हमारे यहाँ का रूम टेम्परेचर होता है। अगर आप गर्मी, काफी गर्मी पड़ रही है तो रूम टेम्परेचर भी लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये इसका मतलब है वहां पर सबलाइम भी कर सकता है, ठीक। और इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब जिस टेम्परेचर पे ये बर्न कर रहे, इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, इनका इग्निशन टेम्परेचर लगभग 308 केल्विन। अब आप समझ सकते हैं 308 केल्विन का मतलब ये हो गया कि लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इनका जो है नॉर्मल टेम्परेचर है जिसपे ये बर्न कर ले, यानी अगर आपका रूम में रखे हुए हैं, कमरे में इसको रखे हुए हैं, गर्मियों में अचानक टेम्परेचर बढ़ गया तो ये अपने आप जलना शुरू कर दे, और जलने की यानी ग्लो करने की इनकी यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, केमी ल्यूमिनेसेंस या फास्फोरेसेंस कहलाती है, ठीक है। यानी ये अगर ऐसे रख देंगे एटमोसफेयर में, बंद कमरे में, तो ये ग्लो करना, डार्क कमरे में अगर रख दीजिए ग्लो करना, वहां चमक दिखाई देने लगेगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग केमी ल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको मालूम है इसका इग्निशन टेम्परेचर, अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे एयर में तो ये इग्नाइट कर जाएगा, इसीलिए ड्यू टू लो इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होने की वजह से इट इज स्टोर्ड इन वाटर, वाटर के अंदर इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि वाटर में तो ये इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर से तो रिएक्शन करेगा नहीं। अब इसको हमें एयर के कांटेक्ट में आने से बचाना है, और एयर के कांटेक्ट में अचानक बचाने के लिए इसको हम लोग कहां स्टोर करेंगे, स्टोर कर देंगे अंडर वाटर, ठीक। आपको मालूम है ये पॉइजनस इन नेचर होता है, इट इज पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर होता है, और पॉइजनस नेचर होने की वजह से ही हम लोग इसका जो है मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस में कहां यूज करते हैं, नॉट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
मैचेस। जो माचिस है अगर आप उसको बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स हैं अगर वहां काम करेंगे ये पॉइजनस नेचर है तो क्या करते हैं, ये फास्फोरस को अगर वो किसी ना किसी माध्यम से अगर इनहेल्ड कर रहे हैं तो उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज हो जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिजा, जिसे हम लोग कहते हैं फॉसिजा। बिकॉज वर्कर्स सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कार्ड, कौन सा भाई, फांसी जा, ये ध्यान रखिएगा फांसी जा। इसमें होता क्या है, जो जा के बोन्स होते हैं और जो नेजल बोन्स होते हैं वो फास्फोरस के द्वारा इन्फेक्ट होते हैं, वो फास्फोरस के द्वारा क्या होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, यानी इन विच जा बोन्स एंड नेजल बोन्स आर अफेक्टेड, इन विच जा बोन्स एंड नेजल बोन्स आर अफेक्टेड। ठीक है भाई, फॉसिजा में ये होता, तो इसीलिए नॉर्मली हम लोग जो है व्हाइट फास्फोरस का जो है डायरेक्ट व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल हम लोग मैच बॉक्स बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप इस चीज को बता सकते हैं, क्योंकि पॉइजनस होता है फास्फोरस जो है ये ग्लो करता है डार्क रूम में रखने पर, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, केमी ल्यूमिनेसेंस या फास्फोरेसेंस, फास्फोरेसेंस की बात करें, फास्फोरेसेंस की बात करें, बुक में कहीं कहीं केमी ल्यूमिनेसेंस भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा फास्फोरेसेंस या केमी, फास्फोरस जो है इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, इन कॉन्टैक्ट विथ एयर ये क्या शो करता है, स्लो कंबस्शन रिएक्शन शो करता है, स्लो कंबस्शन रिएक्शन शो करता है, ठीक, कंबस्शन रिएक्शन शो करे, ठीक, और इसी कंबस्शन रिएक्शन की वजह से एंड ग्लो इन डार्क, एंड ग्लो इन डार्क, डार्क में ये क्या करता है, ग्लो करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज फास्फोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग जो है फास्फोरेसेंस कहते हैं, यानी व्हाइट फास्फोरस एयर की कांटेक्ट में आने पर स्लो कंबस्शन रिएक्शन शो करता है और इसी वजह से वो अंधेरे में ग्लो करता है, और इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, फास्फोरेसेंस, या उसी को केमी ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और यहां जो स्लो कंबस्शन का प्रोडक्ट होता है, स्लो कंबस्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका फास्फोरस, और स्लो कंबस्शन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, यानी इनकम्प्लीट कंबस्शन एक प्रकार से आप कह सकते हैं, और इस तरह से फास्फोरस ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन यहां पे होता है, ये ध्यान रखिएगा भाई। और वैसे नॉर्मली फास्फोरस का अगर कंबस्शन, अगर हम फास्फोरस का कंबस्शन देखें, कंबस्शन रिएक्शन देखते हैं, तो फास्फोरस का कंबस्शन अगर आप देखिए तो चूंकि लोग इग्निशन टेम्परेचर होता है ड्यू टू इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर तो बहुत कम आपने कहा ही ना, इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और इस वजह से व्हाइट फास्फोरस ये रेडली कैचेस फायर, व्हाइट फास्फोरस रेडली
कैचेज फायर, ठीक, तुरंत जो है ये आग पकड़ लेता है और जानते हैं व्हाइट डेंस फ्यूम्स देता है इन एयर टू गिव व्हाइट डेंस फ्यूम, और ये जो फ्यूम्स होती है वो होती है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 P4O10 की जो है व्हाइट डेंस फ्यूम्स। हमने क्या कहा, लो इग्निशन टेम्परेचर की वजह से व्हाइट फास्फोरस जो है वो तुरंत एयर के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से जलने लगता है और जलने की वजह से वो कंप्लीट कंबस्टन होता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा कहीं रिएक्शन अगर हम लोग दिखाएंगे, इसका रिएक्शन देखिए P4+5O2 और गिव्स P4O10, ये आपका जो है व्हाइट डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये रिएक्शन आपका यहाँ पे दिखाई देगा जिसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द सेंस ये है कि ये फास्फीन गैस की प्रिपरेशन में भी यूज होगी, फास्फीन गैस की प्रिपरेशन में भी यूज होगी, ये ध्यान रखिएगा। P4 3NOH+3H2O गिव्स, आप जानते हैं क्या देगा, फास्फीन गैस का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम हाइपोफास्फाइड NaH2PO2 सोडियम हाइपोफास्फाइड का फॉर्मेशन। आपको मालूम है यहां पे इनर्ट एटमॉस्फियर लेना पड़ेगा, यहां पे इनर्ट एटमॉस्फियर होना चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फियर का मतलब विदाउट एयर, इनर्ट एटमॉस्फियर का मतलब एयर रहेगा तो रिएक्शन कर लेगा व्हाइट फास्फोरस, रिएक्शन कर लेगा और P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि इनर्ट एटमॉस्फियर यहां पे होना चाहिए, ठीक है। एक खासियत इसकी देखिए, जो ये रिएक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कई बार आ रहा है भाई डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और ग्रुप 15 सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे पी ब्लॉक में, ये ध्यान रखिएगा, इससे ही कंपटीशन के क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं, इसलिए इसको ठीक से पढ़िएगा। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है कैसे, यहाँ फास्फोरस का 0 है, यहाँ फास्फोरस का -3 है, यहाँ फास्फोरस का जो है +1, तो अगर आप देखिए 0 से -3 ये क्या हो रहा है रिडक्शन, 0 से +1 ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक ही एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर आप इसी को आयनिक फॉर्म में लिखना चाहें तो आयनिक फॉर्म में भी इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, कैसे, P4 हो ही गया, NaOH से यहाँ Na हटाई दीजिए, 3OH- और ये आप पढ़ते भी हैं 3H2O और ये जो है सेम चीज यहाँ पे PH3 बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा 3H2PO2-। इस तरह का रिएक्शन आपने पढ़ा भी होगा, कहाँ पे इस तरह का रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन में पढ़ा भी होगा जहां पर आप बैलेंसिंग पढ़ते, तो ये आयनिक फॉर्म में इसी रिएक्शन को हमने आयनिक फॉर्म में भाई यहाँ से 3 Na हटा दिया, यहाँ से 3 Na हटा दिया, बाकी ये ना आयनाइज बिल है नहीं, ये आयनाइज होगा नहीं, ये आयनाइज होगा नहीं, ये आयनाइज होगा, तो इस तरह से आपका आयनिक फॉर्म इस रिएक्शन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस, हमने क्या कहा ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, फास्फीन गैस की प्रिपरेशन हो रही है, ये फास्फीन है, तो स्ट्रक्चर में खासियत देखिए इसकी,
व्हाइट फास्फोरस जो होता है कहा जाता है कि ये आपका ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक, आपको मालूम है इसमें एक फास्फोरस वो अदर तीन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से, और सबके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आया है उसको समझिए ध्यान से। जैसे इसमें कहा गया, इसमें पूछा गया कि वास्तव में ये जो आपका है, ये जो फास्फोरस है, इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता करना है। तो हम आपको एक फास्फोरस ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक फास्फोरस को ले रहे हैं तो एक लोन पेयर सबके पास है, एक लोन पेयर सबके पास है ना, और कितने बॉन्ड बना रहा है, तीन। तो अब आप देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जा रहा है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहां पे हो गया। अब sp3 है तो जो कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे पुट अप किया गया था उसमें पूछा गया था कि फास्फोरस p4 व्हाइट फास्फोरस में फास्फोरस एटम का जो है वो परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर आप बताइए, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आपको बताना है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और इसके शेप का नाम। तो आप देखिए शेप क्या हो जा रहा है, शेप देख ही रहे हैं, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर, अगर वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ा है तो इसे हम लोग कह सकते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, या कहीं कहीं आपको पिरामिडल दिखाई देता है। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, यस एक पार्ट है, पी तीन पार्ट है, यानी कितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हो गया, 25% कहा गया। और अगर इस तरह से हम लोग, ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आईआईटी में क्वेश्चन आपसे पुट अप किया गया है, तो इसको आप समझने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए प्रत्येक फास्फोरस जो है वो कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, भाई ये भी फास्फोरस है, आप गौर से देखिए, एक फास्फोरस तीन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है और एक लोन पेयर, तो तीन फास्फोरस से जुड़ा है, एक लोन पेयर, तो प्रत्येक फास्फोरस यही करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, यानी चारों फास्फोरस जो है इस तरह से शो कर रहा है। तो अगर चार फास्फोरस मिल करके इस तरह से ज्योमेट्री बनाए तो ट्राइगोनल ए भी बना रहा है, ट्राइगोनल ए भी बना, ट्राइगोनल पिरामिडल ए भी, ट्राइगोनल पिरामिडल ए भी ज्योमेट्री बना रहा है, और इस तरह से एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो आप देखिए एंगल 60 डिग्री है, मतलब इस तरह से P4 फॉर्म में जब एक्सिस करते हैं तो एंगल धीरे से रिड्यूस हो जाता है, काफी ज्यादा रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109 डिग्री 28 मिनट, पिरामिडल में 107 डिग्री होता है, और लेकिन यहां पे जो है एंगल काफी रिड्यूस हो गया और 60 डिग्री, और 60 डिग्री होने की वजह से ही आप जानते हैं इसमें एक स्ट्रेन डेवलप करता है। तो हम लोग क्या कहने चल रहे हैं, ड्यू टू लार्ज डेविएशन इन एंगल इन अ मॉलिक्यूल स्ट्रेन इज डेवलप्ड, मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेन डेवलप करेगा। ठीक, और उसी स्ट्रेन को आप क्या कहेंगे, एंगुलर स्ट्रेन। ठीक, और जितना ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होगा मेक्स देम रिएक्टिव, इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती, मेक्स देम रिएक्टिव, और इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आप सीधे सीधे इस बात को कहते हैं, और यहां जो फास्फोरस की डिस्टेंस है 2.21 एंगस्ट्रॉम है, भाई ध्यान रखिएगा 2.21 एंगस्ट्रॉम फास्फोरस। ठीक, और फास्फोरस जो है, अगर आप देखिए फास्फोरस हर पिरामिड के
आप कार्बन देखिए सेंटर एक यहाँ पे हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये पिरामिड, एक पिरामिड पे है। तो इसी तरह से दूसरी इस फास्फोरस को लीजिए, एक दो तीन, इसको लीजिए एक दो और तीन, इस तरह से ये अरेंजमेंट होकर के पी फोर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ज्वाइन बाय थ्री फास्फोरस एटम। ठीक, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। तो रेड फास्फोरस को देखिए, ये लेस रिएक्टिव, फॉर्म ऑफ फॉर्म, लेस रिएक्टिव फॉर्म, यानी व्हाइट फास्फोरस से ये कम रिएक्टिव होता है। ठीक, व्हाइट फास्फोरस से, और अगर ये फास्फोरस से कम रिएक्टिव है इसका मतलब ये स्टेबल फॉर्म है। तो जो स्टेबल फॉर्म होगा थर्मोडायनेमिकली उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी पी फोर, यानी ये व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस को अगर आप हीट करिए, और हीट किसमें कर रहे हैं, सील ट्यूब में। ठीक, और 573 केल्विन फॉर सेवरल डेज, सेवरल डेज। ठीक, और कई दिनों के बाद जो है आप इसमें देखिए, हमेशा आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर बार बार लेना पड़ रहा है, उसका रीजन भी समझे रहिए भाई। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों ले रहे हैं बार बार, इसको समझिए, क्योंकि हम बार बार क्या ले रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस के लिए इनर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिएक्ट कर लेगा, ये रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करने के बाद व्हाइट फास्फोरस प्योर फॉर्म में ना होकर ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग एयर फ्री एटमॉस्फेयर लेते हैं बार बार, एयर फ्री एटमॉस्फेयर बार बार यूज करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, नहीं आपसे आपको समझ नहीं आ रहा हूं कि इनर्ट एटमॉस्फेयर आप बार बार यूज क्यों कर रहे हैं, और आपका मालूम है यहां पे रेड फास्फोरस जो है वो आपको मिल जाएगा, रेड फास्फोरस आपको यहां पे दिखाई देगा। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है, नाम से ही पता, रेड फास्फोरस, तो डार्क रेड पाउडर ही होता है, डार्क रेड पाउडर। ठीक है, डार्क रेड पाउडर फॉर्म में ये मिलता है आपको, और ये आपका अडरलेस और नॉन पॉइजनस होता है। आप सोच लीजिए, नॉन पॉइजनस हो गया एंड नॉन पॉइजनस, आप खुद समझ सकते हैं, व्हाइट से रेड में कन्वर्ट होते ही ये आपका नॉन पॉइजनस नेचर हो गया। और आप जानते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर तो है, ये उनकी तरह व्हाइट की तरह इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अब ये बट आल्सो इनसॉल्युबल, इन कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड में भी ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस जो है एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्या कहा था हमने, इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो रेड फास्फोरस है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता, भाई ध्यान रखिएगा, एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। ठीक है, और पॉलीमेरिक एग्जिस्ट होने की वजह से ये सॉल्युबिलिटी इनकी कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है। जैसे वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वैसे ही इसमें भी कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल हो जाता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा हाई होता है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा हाई होता है। जैसे वहां 317 लिया था ना, यहां 533 केल्विन, 533
केल्विन आपने यूज किया, और 533 केल्विन की अगर हम लोग बात करें तो सीधे सीधे जो है हम ये कह सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर हाई होने की वजह से हम इसको जरूरी अब नहीं है, hence not stored in water, ध्यान दीजिएगा इसको, not stored in water, क्यों? क्योंकि ये एयर के साथ आसानी से कंबस्शन रिएक्शन नहीं शो करेगा, यानी 535 केल्विन का मतलब आप समझिए सीधे सीधे लगभग लगभग 250 डिग्री सेल्सियस, और 250 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर कभी होता नहीं, अगर रूम टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस हो तो मानव ह्यूमन जो लाइफ है वो भी अस्तित्व उस पर भी संकट आ जाए, तो इसलिए नॉर्मली ये एयर से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसको स्टोर्ड इन वाटर में करने की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, स्टेबल है ये, लेस रिएक्टिव फॉर्म है ये, क्वाइट स्टेबल लेस रिएक्टिव फॉर्म, ठीक, ये क्वाइट स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। और आपको मालूम है कि इसकी लेसर रिएक्टिविटी जो होती है ये ज्वाइंट स्ट्रक्चर जो होता है ड्यू टू इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन विच P4 यूनिट ज्वाइंट टुगेदर, एंड फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक, और आप जानते हैं ये ग्लो नहीं करेगा, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, ये चूंकि इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, डज नॉट ग्लो इन डार्क, डार्क में ये ग्लो नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, डज नॉट ग्लो इन डार्क, और साथ ही साथ डज नॉट रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा, डज नॉट रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। ठीक, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर हम दिखाएं आपको, ये यहां से जो है ऐसे जुड़ना शुरू करता है, फिर ये फास्फोरस की यूनिट, ये फास्फोरस की यूनिट, ये फास्फोरस की यूनिट, ऐसे जुड़ना शुरू करता है। अब आप गौर से देखिए प्रत्येक फास्फोरस कितने से जुड़े हैं, तीन फास्फोरस जुड़े हैं, तो यहां कितना दिखाई दे रहा है, एक इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, तो ये बीच वाला ऐसे यहां, अब ये ऐसे इस तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ये रेड फास्फोरस हो गया पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। एक को हम लोग कहते हैं अल्फा फॉर्म और दूसरे को हम लोग कहते हैं बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अल्फा ब्लैक फॉर्म जो है, अल्फा ब्लैक फॉर्म अगर हम लोग नॉर्मली ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वही चीज हमने बताया, रेड फास्फोरस क्या होता है, रेड फास्फोरस लिया, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, और ये तो आपको मालूम ही है कि रेड फास्फोरस कहां से मिलता है, व्हाइट फास्फोरस से, तो रेड फास्फोरस को अगर आपने ले लिया और लगभग 803 केल्विन टेम्परेचर पे इसको सील्ड ट्यूब में जो है हीट किया फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है भाई, और उसके बाद जो सोल्यूशन मिलेगा, यहां सोल्यूशन मिलेगा, और उस सोल्यूशन को आप क्या करिए, कूल कर दीजिए, उस सोल्यूशन को आप कूल कर दीजिए, और कूल करने पर आपको मिलेगा जो वो अल्फा ब्लैक फास्फोरस होगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस यहां पे आपको मिल जाएगा भाई, ये सीधा सीधा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ज्यादा ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन आपको सीधे सीधे आइडिया होना चाहिए। ठीक, बीटा फॉर्म की बात करते हैं,
बीटा फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीटा फॉर्म के बारे में कहा जाता है कि अगर आप व्हाइट फास्फोरस लीजिए और उसको हीट करिए, ठीक है, हाई प्रेशर पे 475 केल्विन एट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर जानते कम से कम कितना, 4000 एटीएम तक जो है आप हीट करिए। और जैसे ही हमने व्हाइट फास्फोरस लिया, हमारा दूसरा चीज क्या होना चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर जरूर बोलना है, इनर एटमॉस्फेयर, जहां पर भी आप बोलेंगे इसको व्हाइट फास्फोरस, वहां इनर्ट एटमॉस्फेयर जरूर आपको लेना, ये ध्यान रखिएगा आपको। और इस तरह से आपको मिल जाएगा बीटा फॉर्म, ये बीटा फॉर्म आपको यहां पे मिल जाएगा, सीधे सीधे आप हासिल करते हैं, ठीक। कहा जाता है कि जो अल्फा और बीटा के बारे में, ये सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा फॉर्म जो है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर अल्फा भी शो करता है, बीटा भी शो कर सकता है। अल्फा के बारे में कहा जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, अल्फा के बारे में कहा जाता है कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भाई सारे बॉन्ड जो है वो सारे फास्फोरस एटम जुड़े हुए हैं तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक। हाईली स्टेबल एलोट्रॉप से माना जाता है अल्फा फॉर्म को, हाईली स्टेबल एलोट्रॉप्स माना जाता है इसे। हाईली स्टेबल एलोट्रॉप्स माना जाता है, ठीक। और इसके बारे में कहा जाता है बीटा के फॉर्म बारे में, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। और जानते हैं जैसे हेक्सागोन रिंग होती है ना, हेक्सागोन रिंग उसी तरह से इसमें पाया जाता है। बीटा जो ये होता है स्ट्रक्चर सिमिलर, ये ब्लैक फास्फोरस के बारे में बता रहे हैं, इस स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन का जो है एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, ये भी जान रहिए क्योंकि पूछ सकता है कौन सा सॉरी कौन सा एलोट्रॉप फास्फोरस का है जिसका स्ट्रक्चर जो है किससे मिलता है, ग्रेफाइट से मिलता है। और आप जानते हैं जितनी भी लेयर होती है, ईच लेयर इज मेड अप ऑफ zigzag चेन ऑफ फास्फोरस एटम, यहां पे फास्फोरस एटम का zigzag सी चेन होता है, ठीक। और अगर हम लोग इसको दिखा, फास्फोरस ये इस तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, या ये जो है हेक्सागोन रिंग का फॉर्मेशन करता है, फास्फोरस ये हेक्सागोन रिंग बनाएगा, ठीक है भाई, इस तरह से हेक्सागोन रिंग का फॉर्मेशन ये करेगा। ऐसे आप जोड़ सकते हैं कई हेक्सागोन, इस तरह से रिंग बन जाएंगे फास्फोरस के, आप देखिए ये ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे, ये इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। और यहां जो फास्फोरस एटम के बीच की डिस्टेंस है 218 और इनके बीच का एंगल है 99 डिग्री, जो एंगल होगा वो 99 डिग्री होगा, ठीक। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है इनमें जो व्हाइट ब्लैक फास्फोरस का, जो इस तरह से ये एडजस्ट करते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ये भी शो करता है। और जो इससे क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है, अब जैसे देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको अरेंज करना है, अरेंज द एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ, पहला इंक्रीजिंग आयरन करना है। ये सब क्वेश्चन आए हैं भाई कंपटीशन में, इंक्रीजिंग आयरन यही सब आपको याद भी रहना चाहिए। पहला मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा केमिकल रिएक्टिंग, केमिकल रिएक्टिव, ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, तीसरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, चौथा एंगल स्ट्रेन, ठीक है एंगल स्ट्रेन, और साथ ही साथ जो है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पे जो है ये ट्रायल्स है, होमवर्क है, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ें आपको अटेम्प्ट करना चाहिए खुद, ठीक है भाई। अरेंज द फॉलोइंग, अब जैसे मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे कम होगा, व्हाइट फास्फोरस का, और सबसे ज्यादा किसका होता है ब्लैक फास्फोरस का, तो ऑटोमेटिक अरेंज कर दीजिए उसको। तो इस तरह की प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन देखिएगा, तो पहला जो प्रिपरेशन है वो फास्फाइड से ही मेथिल कैल्शियम फास्फाइड, ठीक है भाई, कैल्शियम फास्फाइड की रिएक्शन किससे आप कराएंगे, आप इट रिएक्ट विथ वाटर आर मिनरल एसिड, टू फॉर्म फास्फेट। ये नॉर्मल बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आप इसको नॉर्मली इसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। और आप तो कैल्शियम फास्फाइड लिया, कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है, तो फास्फोरस की बैलेंसी कितनी होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला आएगा Ca3P2, तो Ca3P2 इसकी वाटर से रिएक्शन कराइए, Ca3P2 इसकी HCl से रिएक्शन कराइए, तो हमने मान लिया यार 6HCl, एक रिएक्शन हम बताएंगे। तो देखिए मेटल जब भी हाइड्रोलिसिस तो करेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये तो मालूम ही है आपको, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये तीन मॉलिक्यूल हो ही गया, तो फिर बचा आपका क्या, फास्फोरस दो है तो 2PS3 हो गया। इस रिएक्शन को आप पूरा कर लीजिए, ठीक है भाई, ये आपका सीधा सीधा हो गया। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो हमने आपको बताया था कि आप व्हाइट फास्फोरस को एल्कली में डिजॉल्व करिए, बॉइलिंग एल्कली में डिजॉल्व करिए, आपका जो सीधा सीधा फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, देखिए व्हाइट फास्फोरस लिया आपने, बॉइलिंग एल्कली लिया और H2O लिया, रिएक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक है भाई, और इनर्ट एटमॉस्फेयर लिया, इनर्ट इसलिए लिया क्योंकि ये व्हाइट फास्फोरस है, ध्यान दीजिएगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर लिया, बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर लिया, तो आपका जो है PS3 बन जा रहा है, और साथ ही साथ सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, और इस रिएक्शन के बारे में हमने आपको बताया था, ये रिएक्शन कैसा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसके बारे में आपको चर्चा किया था भाई, ठीक, तो ये एक लिख दे रहे हैं यहाँ पे आप, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। और आप जानते हैं
PS3 के अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट है. एलॉन्ग विथ PS3, एलॉन्ग विथ PS3 कुछ स्मॉल अमाउंट में यहां पे और चीजें मिलती है. स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, P2H4 भी मिलता है, ठीक है, फास्फोरस का हाइड्राइड मिलता है, P2H4 भी मिलता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ P2H4 एंड हाइड्रोजन आर आल्सो ऑब्जर्व, एंड हाइड्रोजन आर आल्सो ऑब्जर्व. ये ध्यान रखिएगा इसमें, यानी ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको दिखाई देते PS3 के साथ, ठीक. और जो आपका P4 है वो P4 वेपर्स जो है वो, या कहिए कि P2H4 जो आपको मिल रहा है वो इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट है. P4 वेपर्स या P2H4 जो है यहां पे ये किस रूप में प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज इंप्योरिटी. ठीक, ये इंप्योरिटी के रूप में प्रेजेंट हो. अरे भाई व्हाइट फास्फोरस है, वेपर्स फॉर्म में हमें PS3 चाहिए, प्योर फॉर्म में PS3 चाहिए, तो जब ये प्रेजेंट रहेगा तो सब इंप्योरिटी है, क्योंकि हमें तो PS3 का मतलब है ना, फास्फीन से मतलब है. ठीक, तो इसको हम लोग कैसे इंप्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, देखिए रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी. रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी, इंप्योरिटी कैन बी रिमूव, कैन बी रिमूव, इंप्योरिटी कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग इट, बाय ट्रीटिंग द गैस बेथ HI के साथ आप ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय हीटिंग बेथ KOH के साथ आप हीट करते, KOH सोल्यूशन के साथ आप हीट करते. देखिए आपने कहा ये PS3 लिया, ये इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर का मतलब यहां क्या है, यहां P2H4 भी प्रेजेंट होगा, P4 भी है, इसकी HI से रिएक्शन करा दिया, HI के साथ रिएक्शन, जैसे इस गैस को इसके साथ पास करेंगे ये बन जाएगा PH4I, इसे हम लोग कहते हैं फास्फोनियम आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड जैसे पढ़ा होगा, फास्फोनियम आयोडाइड, और इस फास्फोनियम आयोडाइड को बेसिक सोल्यूशन से पास करेंगे, तो यहां देखिए KI निकल जाएगा, और यहां H है, OH है, H2O निकल जाएगा, और आपको जो मिलेगा यहां फास्फीन जो है वो प्योर फॉर्मिंग, और इस तरह से जो है आप इसको यहां से रिमूव कर लें. तो ये नॉट इनफ्लेमेबल होता है, देखिए हमने आपसे क्या कहा कि जो प्योर PS3 है तो वो इनफ्लेमेबल नहीं, प्योर PS3 है, अगर हमने PS3 को प्योर फॉर्म में लिया तो वो कहते ना इनफ्लेमेबल, यानी ज्वलनशील नहीं होता, लेकिन इम्प्योर PS3 को अगर एयर की प्रेजेंस में आप दिखाएंगे तो तुरंत जलने लगता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 इम्प्योरिटी के रूप में रहता है, और ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है भाई,
इस वजह से इम्प्योर पीएच3 तुरंत जलने लगता है। ठीक, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी में देखिए, ये आप जानते हैं अनप्लेजेंट स्मेल होती है, ये कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस होता है विथ अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, और आपको मालूम है इसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन फिश, रॉटन फिश, रॉटन फिश। जैसे मछली मंडी में अगर आप जाइए और मंडी के मछली मंडी के आसपास जो है आपको अजीबोगरीब स्मेल आती है, उसी तरह से इसमें आपको महसूस हो। हमने कुछ फॉस्फिन की प्रॉपर्टीज जो हैं, जो भी प्रॉपर्टीज उनको एक साथ दिखा दिया है। फॉस्फिन को पहले देखिए हीट करते हैं, तो हीट करने पर देखिए वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा, फास्फोरस और हाइड्रोजन टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे फॉस्फिन के, अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो BCl5 और HCl का फॉर्मेशन करेगा। वो डिपेंड करता है क्लोरीन की अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, PH3 कन्वर्ट होकर PCl5। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है सीधे सीधे। AgNO3 की रिएक्शन करा रहे हैं तो Ag जो है 3P यानी सिल्वर फॉस्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। HCl से रिएक्शन करा रहे हैं फॉस्फोनियम क्लोराइड का, और HI से रिएक्शन करा रहे हैं तो PH4I रिएक्शन अभी आपने देखा था। और अगर हम इस जो है स्पार्क करें N2O का जो है फॉस्फिन पे, तो हमें फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो रहा। ऑक्सीजन में इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड का सीधे सीधे फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ फॉस्फिन के जो है रिएक्शन है जिनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। फॉस्फिन का जो है हम जो यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्योंकि ये बोल में सिग्नल बनाने का काम करता है। ये जो सी में जो डेंजर पॉइंट होते हैं उनको इंडिकेट करने का जो है ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो हमने बताया फॉस्फिन का यूज, ये यूज होता है प्रिपेयरिंग होल में सिग्नल फॉर द शिप टू नो अबाउट द पोजिशन ऑफ रॉक्स या डेंजर पॉइंट इन द सी। ठीक, डेंजर पॉइंट या रॉक्स इन द सी। तो करते क्या है, एक वेसल ले लेते हैं, एक वेसल ले लेते हैं और उसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर लेते हैं और उसमें एक होल बना लेते हैं, उस वेसल में एक होल बना लेते हैं और उसके बाद उस वेसल को आप थ्रो करते हैं सी वाटर में। रॉक्स जहां डेंजर पॉइंट है उसी के आसपास से फेंकते हैं, तो उस होल के जरिए क्या होता है वाटर एंटर करता है वेसल्स के अंदर और जो मिक्सचर होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बना लेता है फॉस्फिन गैस और एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जानते ही हैं वेल्डिंग पर्पस में यूज होती है और काफी लाइट ग्लो करती है। ठीक, तो जब ये एसिटिलीन और फॉस्फिन गैस बन रहा है तो फॉस्फिन गैस जानते हैं ये तुरंत एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर जलने लगता है और जैसे ही जलेगा एसिटिलीन क्या करेगा वो तुरंत उसको लाइट अप करेगा, मतलब उसकी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा और वो सिग्नल की तरह एक्ट करेगा जो सिप डेंजर पॉइंट की तरफ आ रहा है उसके लिए सिग्नल का काम करेगा और इसी सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं होलमेज सिग्नल कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जो रिएक्शन कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड और फॉस्फिन रिएक्शन भी करेगा, तो देखिए क्या होगा, आपने कहा कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्शन करेगा वाटर से, अभी रिएक्शन बताया आपको ये रिएक्शन, और फिर आपने कहा कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिटिलीन की प्रिपरेशन होती है और C2H2 का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सीधे सीधे फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाए। अभी आपने पढ़ा था इस रिएक्शन को, यहाँ फॉस्फिन गैस बनती है, फॉस्फिन गैस बनती है और प्लस आपका 3 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही फॉस्फिन गैस जो है आपका क्या करता है फॉस्फिन कैचेस फायर इन एयर और जो लाइट सब का काम करता है वो एसिटिलीन करता है
और इसी सिग्नल को हम लोग किसके पास, सिग्नल जो दूर से ही दिखाई देगा अप्रोचिंग शिप को, और उसी सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, होलमेज सिग्नल। ठीक है भाई, इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है उसको आप जरूर ट्राई करें। थैंक यू।